तो भाई अब जा रहे हैं गांव की तरफ। अपना पुराना जो घर था ना, वो देख रहे हैं, वो वहाँ वो प्लॉट ही बचा होगा, घर तो क्या बचा होगा, और देखते हैं। मुझे हिस्ट्री बताऊं तो बेसिकली क्या है कि हम लोग रिफ्यूजी हैं। वीडियो बना देना ताकि उनमें इतने आया तो जिन्हें लेड़े नहीं देख सकते उन्हें दस मैं गया। इससे ज़्यादा बॉर्डर के पास हम लोग नहीं आ सकते हैं। वो सामने अब दिखेगा बिल्कुल पाकिस्तान का गेट, और ये है गुरुद्वारा। बहुत अच्छा कर दिया यार अभी। तो ये है स्कूल यार, 20 साल के बाद आया हूँ कसम से मैं यहाँ पे। ऐसी मतलब मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, मतलब 2-1 किलोमीटर से हम पैदल भी आए हैं यार यहाँ तक। पैदल आते थे, फिर इस गुरुद्वारे में रुक के होते हुए जाते थे। वो तो जो मैंने स्कूल दिखाया है ना आपको, उस स्कूल में क्या है कि मेरे दादू के जो भाई हैं, मेरे दादू तो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके भाई अभी हैं। तो दो भाई हैं, वो दोनों मास्टर थे, तो वो इसी स्कूल में पढ़ाते थे। तो उनको ऑलमोस्ट जितने बच्चे यहाँ से पढ़े हुए ना गाँव के, तो उनको ऑलमोस्ट पूरा गाँव ही जानता। तो अभी हम जो है ना, अपना पुराना जो घर था ना, वो देख रहे हैं, वो वहाँ वो प्लॉट ही बचा होगा, घर तो क्या बचा होगा देखते हैं। मुझे पता नहीं है, चाचू का बेटा साथ में है, ये भी शायद एक ही बार आया। तो वह हम गली ढूंढ रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसको भी एक बार देखते हो जाए यार। ये भाई ने गाड़ी पता नहीं कहाँ घुसा दी है। इतनी ही जगह है उसकी गाड़ी चल सके, स्कूटी गाड़ी आके कैसे निकलेंगे यहाँ से, निकल जाएगी। क्या बात है भाई, अरे यार मतलब यही लग रहा है, यही लग रहा है, यही जिंदा हुआ नहीं। चल चल आगे चल, पता चल जाएगा, देखते हैं आगे चलना। ये तो गाड़ी लगा के थोड़ा पैदल भी तो चल सकते हैं यार, जरूरी थोड़ी है कि हमें गाड़ी लेगी उसमें। नहीं हम जा सकते हैं ना, तो वही तो नहीं, गाड़ी आराम से चले जाती है जो हमारी। अच्छा गाड़ी जाती है, हमारी वाली लेन है थोड़ी ब्रॉड। कबूतरबाजी भी होती है क्या यहाँ पे, ये देखो। कमाल है यार, गांव के नजारे मतलब। अब रोड के बीचों बीच किसी ने सामान छोड़ दिया अपना, ऐसा लग रहा है कि अभी भाई सही लेन हमें मिल गई है, पर मुझे अभी भी डाउट लग रहा है। नहीं नहीं सही है, यही है, यही है, यही है, यही है। अरे भाई साहब उतरना पड़ेगा, रोक ना गाड़ी यार, उतर के देखते हैं। भाई साहब उतरना तो पड़ेगा ना, बिना उतरे कैसे पता चलेगा। ये देख रहे हो क्या, ये है हमारा, ये मतलब अभी भी हमारा ही है, हमने बेचा नहीं है। और लगभग 10 मरले का ये प्लॉट है। 10 मरले का प्लॉट बोले तो लगभग कुछ 2750 स्क्वायर फीट। तो एक्चुअली बेसिकली हम जो है ना, मैं थोड़ा सा आपको अगर हिस्ट्री बताऊं तो बेसिकली क्या है कि हम लोग रिफ्यूजी हैं, और 1965 की जो हालात ख़राब हुए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था कि हम वहाँ से पाकिस्तान वाली साइड से तो छोड़ के हमें इंडिया वाली साइड आना पड़ा। 2 साल हम रहे जम्मू में, वहीं रिफ्यूजी कैंप्स में। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने रिफ्यूजीज़ थे उनको सेटल करने के लिए कुछ इरिगेशन लैंड जो थी, लैंड भी दी, रहने के लिए घर भी दिया, कॉलोनी बनाई, और वहाँ पे सबको 10-10 मरले के प्लॉट, मतलब 2750 स्क्वायर फीट के प्लॉट दिए। तो अभी मैं उस प्लॉट पे खड़ा हूँ, और कम से कम 25 साल मतलब 20 साल पुराना, और कुछ कुछ लोग तो आंटी हैं मुझे, मैं पहचानता भी हूँ उनको यार, बचपन याद आ गया यार कसम से। आज तो मतलब सीरियसली यार, मेरा बर्थ जो है वो जम्मू का ही है, जो घर मैंने होम टूर दिया आपको
बट जैसे छुट्टियाँ होती थी ना, हम यहाँ आते थे क्योंकि दादी दादा यहीं रहते थे, उनके भाई भी यहीं रहते थे। ये जो आप ये जगह देख रहे हो यहाँ पे आगे दो तीन प्लॉट हैं, ये पूरे लेन में एंड तक हमारे ही थे। तो अभी उन्होंने बेच दिए बट हमने अभी तक नहीं बेचा है, तो क्योंकि सब सिटी में शिफ्ट हो गए हैं, कोई मतलब यहाँ आना जाना होता है बट इतना नहीं होता। बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया यार। बच्चे मुझे देख रहे हैं, नहीं नहीं लाड़ी और सॉरी ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है मैं कल कल ही आया। हाँ जी हाँ हाँ जी, सब वीडियो बना दिया ना ताकि मैं इतने आया तो जिन्हें लेड़े नहीं देख सकते नहीं दसा मैं गया हाँ। आंटी पहचान द्वारा लबा नी जो घा कटना है ना आवाज नहीं मिले तो भाई ये वो दुकान है, ये अंकल जी हैं, इनको देखा मैंने 20 साल पहले मैं आता था यहाँ से, मैंने इतनी टॉफीज खाई है ना, इतनी टॉफीज खाई है मैं बता नहीं सकता कितनी टॉफीज खाई। अच्छा अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, चल रहे हैं। तो भाई ये स्कूल के अंदर जा रहा हूँ मैं, आंटी मिले थे, उनके बेटे हैं, एक भाई है हमारा जो यहाँ पे मास्टर हैं। मास्टर साहब जनाब 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 अपनी पहली पूरी दिखी थी 20 साल हो गए चक्कर मार उसी जाना है सबजोत की ये सबजोत ही है नहीं नवजोत की नवजोत रौनक नहीं लानी भाई साहब। ये हमारे घर से 14-15 किलोमीटर दूर है बस है। तो भाई यहाँ पर भी पूछा हमने तो उन्होंने बोला वीडियोग्राफी जो है अलाउड नहीं है। रिसेप्शन एक तरफ जा रहे हैं पर वीडियोस नहीं बनेंगी तो फोटो खींचेंगे। यहाँ से सियालकोट हार्डली कुछ किलोमीटर का माइलस्टोन दिखता है। भाई साहब हम जो जा रहे हैं ना वो सामने पाकिस्तान का गेट है, सारे टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है बट देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये भाई आ रहा है पीछे देखो, तो इससे ज़्यादा बॉर्डर के पास हम लोग नहीं आ सकते हैं। वो सामने अब दिखेगा बिल्कुल पाकिस्तान का गेट, इस साइड हम हिंदुस्तान में और सामने पाकिस्तान में। चलो दोस्तों कहाँ जा रहे हो ये? मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा।
यार बहुत बढ़िया जगह है यार, वो कसम से यार। और अगर कोई जम्मू आ रहा है तो यहाँ से होके जाना मतलब मस्ट विजिट है। सियालकोट यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर, ओनली 11 किलोमीटर। खाने के लिए देख लेते हैं, तब तक कैंटीन भी है यहाँ पे। देखो यार, ये देखो यार नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है भाई। तो ये भी है जो यहाँ पे आ रहा है ना, वो सैटरडे संडे को आए तो मुझे लग रहा अच्छा है, तो मेरे पास टाइम कम था। सैटरडे संडे को आओ तो अंदर यहाँ पे बहुत लोग होते हैं, कुछ इवेंट्स भी रखते हैं ये, थोड़ा परेड वरेड भी होता है, जैसे बाघा बॉर्डर पे होता है वैसे होता है। तो अभी अंधेरा होने को है यार, लेट हो गए, चलते हैं घर अभी। तब तक के लिए दो इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।